नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है मैंगलोर स्टाइल घी रोस्ट चिकन। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन, उसको धो के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम उसको मैरिनेट करेंगे। उसमें डालेंगे आधा नींबू का रस, 2 चम्मच दही, 2 छोटे चम्मच दही। अब हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट, और इसको अच्छे से मिला के मिक्स कर लेंगे। और इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। फ्रीजर में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। अब हम इसके लिए मसाले की पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए ये बड़ी वाली लाल मिर्च, उसको बेगड़ी मिर्च कहते हैं, और 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया। टैमरिन को मैंने यहाँ पे भिगो के रखा था, इमली को, उसका घोल चाहिए। मेथी दाना, ब्लैक पेपर, साबुत धनिया और लहसुन की कलियाँ। और हमें इन सब मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है 2 मिनट के लिए। पैन को हल्का सा गर्म करके सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखो इसकी अच्छे से खुशबू आ रही है, अच्छी। इसको फिर ठंडा होने के बाद एक मिक्सी में ले लेंगे। इसमें डालेंगे लहसुन की 7-8 कलियाँ, और ये इमली का पानी। अब हम इसको मिक्सी में पेस्ट कर लेंगे। ये देखो थोड़ा पानी डालना है पेस्ट करते टाइम। अब एक बड़े पैन में 2 चम्मच घी लेंगे। गरम होने पर अब उसको हम उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, अभी हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन। ये चिकन को अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाफ कुक होने तक पकाना है। यहाँ पे मैं उसको बीच बीच में टॉस करते रहूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई को लगे ना नीचे से। इसको ढक के 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। ये देखो चिकन हाफ कुक होके पक गया है। इसको साइड में रख देंगे, और एक दूसरी कढ़ाई में हम 1 से 1.5 चम्मच घी लेंगे। घी रोस्ट है तो हम यहाँ पे घी का ही यूज़ करेंगे, ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। हम उसमें डालेंगे पेस्ट, मसालों की पेस्ट डालेंगे, और इसको इस घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मिक्सी में जो मसाला बचता है उसमें भी थोड़ा पानी डाल के वो ये मसाला में ऐड कर देना है। अब इसको हम 7 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और जब हमारा घी थोड़ा सेपरेट होगा मसालों से, तब उसमें हम अब चिकन ऐड करेंगे। ये साइड साइड से ऐसा थोड़ा घी सेपरेट होता है। अब इसमें हम हमारा हाफ कुक चिकन ऐड कर लेंगे, और चिकन को इस मसालों में ड्राई होने तक अच्छा सा पकने देंगे। ये इसको लगते हैं 7 से 8 मिनट इसको पकने के लिए लगते हैं। ऊपर से 2-3 चम्मच थोड़ा घी ऐड करेंगे, और थोड़ा नमक। नमक हमने पहले डाला था, तो थोड़ा कम ही नमक डालना। ये देखो चिकन ड्राई हो गया अच्छे से, मसाला पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है चिकन ने। ये हमारा घी रोस्ट चिकन एकदम तैयार है।
एकदम अच्छा लग रहा है। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ और एज स्टार्टर भी खा सकते हो। देखो एकदम ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिख के बता सकते हो कि आपको रेसिपी कैसी लगी।